नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत अब कुछ अगले दिन हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बातचीत करेंगे। उनके बारे में कुछ प्रचलित भ्रमों के बारे में, झूठों के बारे में, जो झूठी जानकारियां फैलाई गई हैं या लोगों के दिमाग में है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये बात बहुत फैलाई गई है, जो बातें हैं उनमें से एक बात ये बहुत फैलाई गई है कि महात्मा गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे और इसलिए वे भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को नापसंद करते थे। यही वजह बनी कि उन्होंने भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो न तो उसका विरोध किया और ना ही उनको बचाने की कोई कोशिश की फांसी की सजा से। लेकिन इस जानकारी में कितनी सच्चाई है, कितना भ्रम है, आज हम इस कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुन्यानी। आपका स्वागत है प्रोफेसर पुन्यानी। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा कि क्या गांधी और भगत सिंह के रिश्ते परस्पर विरोध के रिश्ते थे या एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, क्या सच है? अगर ये रिश्ता कटुतापूर्ण था तो जाहिर है कि आगे चीजें भी उसी तरह हुई होंगी। देखिए, ये जहां तक दोनों के रिश्तों का सवाल है वो हम केवल वैचारिक आधार पर ही उसकी बात कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अफ्रीका से यहाँ आने के बाद जो अपना विचारधारा विकसित की, सत्याग्रह और अहिंसा, और उसके आधार पे एक जन आंदोलन, ये उनका मुख्य आधार था। अब भगत सिंह का जो यात्रा थी, उनकी यात्रा उन्होंने चालू की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, बाद में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, और जो उस समय हिंसा के रास्ते में विश्वास रखता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त करवाना, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ जो पूंजीपति और जमींदारों का वर्चस्व है, जो गरीब किसानों पे, मजदूरों पे जो दमन होता है, उसका विरोध करना, ये मिला जुला उनका एक प्रकार का एजेंडा था। और इसके चलते 1925 में काकोरी भी जो रेल पर उन्होंने डाका डाला, उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, दोनों को सजा हुई, फांसी की सजा हुई। और उसी के साथ साथ इनके बीच में एक वैचारिक मंथन चल रहा था भगत सिंह के ग्रुप में, जिसमें चंद्रशेखर आजाद इनके मुखिया थे और भगत सिंह खैर अपने आप में बहुत बड़े विचारक थे, आज पीछे हट के देखा जाए तो बहुत बड़े विचारक थे। तो उन्होंने अपने विचारों से पहले तो प्रभाव ये किया कि इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाए। और भगत सिंह ने दूसरी बात जो सामने रखी वो ये कि इसमें जो खास तौर से हमें जो मुक्ति प्राप्त करना है, केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त नहीं करना, यहाँ की जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में पूंजीवाद और सामंतवाद का प्रभुत्व है, उससे भी मुक्ति प्राप्त करना है। तीसरी एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ जो ज्यादातर सामने नहीं आई, जबकि उस समय के वामपंथी और दूसरे लोग जाति व्यवस्था के बारे में नहीं सोचते थे, भगत सिंह ने जाति व्यवस्था के बारे में भी उस समय सोचा था और मेरे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो 1925 के बाद इनके ग्रुप में एक पुनः मंथन हुआ, विचार हुआ, और उस विचार को भगवती चरण वोरा ने बम का दर्शन, द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नाम की किताब के रूप में रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रांति केवल बंदूक की नोक पर नहीं आती, क्रांति बम से नहीं होती, ये तो सामाजिक परिवर्तन का मामला है। खैर, और भगत सिंह के इतिहास के साथ वो जुड़ा हुआ था क्योंकि वो सॉन्डर्स के वध में इन्वॉल्व थे और उसके कारण एक दूसरी प्रतिमा उनकी बन गई कि वो केवल हिंसा के रास्ते में विश्वास करते थे। पर जब हम उनको गहराई से पढ़ते हैं तो बाद में लगातार, अब देखिए 23 साल 6 महीने का नौजवान फांसी के फंदे पर झूलता है और तब तक वो इतने विचारी लंबी वैचारिक यात्रा से जाता है, इसकी थोड़ा कल्पना कीजिए। शुरुआत में तो जो उन्होंने
हिंसा का रास्ता अपनाया, उसके पीछे भी एक राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद क्या था कि जो लाला लाजपत राय थे वो देश के एक बहुत बड़े लीडर थे, भले इनके विचार उनसे अलग थे पर वो देश की अस्मिता को एक जगह प्रतिनिधित्व करते थे। और साइमन के विरोध में जब प्रदर्शन में लाला जी भाग ले रहे थे तो उनको लाठियों से पीटा गया, बाद में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये क्रांतिकारियों ने सोचा ये हमारे देश का अपमान हुआ है, एक छोटे पुलिस ऑफिसर ने, छोटे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने हमारे राष्ट्र का अपमान किया है, इसका बदला लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो उन पर जो गोलियां चलाने का काम किया, यहां से एक इंप्रेशन आ गया कि वो केवल हिंसा के रास्ते में विश्वास रखते थे। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1925 के बाद से उन्होंने लगातार इस बात लेकिन पे यहाँ जोर दिया। प्रोफेसर पुनियानी, यहाँ थोड़ा रोकूंगा मैं। यहाँ ये जोर देना चाहता हूँ कि भगत सिंह सोवियत क्रांति से बहुत प्रभावित थे, वो व्लादिमीर लेनिन से बहुत प्रभावित थे, और उन्हें लगता था कि उसी तरह की क्रांति इस देश में भी चाहिए। वो उस क्रांति के शुभचिंतक थे, वो मानते थे कि वो क्रांति सफल होगी तो पूरा सोवियत संघ में जो सरवारा वर्ग है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसकी सत्ता स्थापित हो रही है और वो फलेगा फूलेगा। ठीक उसी पैटर्न पर, चूंकि उस समय समाजवादी क्रांति से पूरी दुनिया भर की जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, प्रेरणा ले रहे थे, तो भगत सिंह भी उससे प्रेरणा ले रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान में भी उस तरह की जा सकती है। तो वो समाजवाद से, साम्यवाद से प्रेरित थे और उस विचारधारा में, चूंकि हिंसा से परहेज तो है लेकिन उसको नाजायज नहीं माना जाता है सत्ता परिवर्तन के लिए, इसलिए उन्होंने भी उसको मान के रखा हुआ था। बाद में जैसा आपने कहा कि फिर परिवर्तन का दौर शुरू होता है। जी जी मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। मैं इसी बात पर आ रहा था कि उनके खुद के अध्ययन के दौरान, और जो जैसे आपने कहा बिल्कुल सही तरीके से, रशियन क्रांति का प्रभाव तो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के जो देश आजादी की कोशिश कर रहे थे उन सब पर था। तो अब इसके चलते वो इस निष्कर्ष पे आए कि मार्क्सवाद का रास्ता, समाजवाद का रास्ता, ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सबसे उपयुक्त है। अब ये उनके ग्रुप में मंथन चल रहा था। अब इसको पूरा कैसे किया जाए, तो पूरा करने के लिए लोगों की चेतना, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सोची कि लोगों की चेतना में बदलाव लाना जरूरी है। अब एक तरफ आप देखिए गांधी जी भी जो आंदोलन उन्होंने 1920 से लेकर 21 में असहकार आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन किया, उसका भी मुख्य मुद्दा यही था कि देश की जनता में एक जागृति आए। और यहाँ जो भगत सिंह का ग्रुप एक काम करता है, उसका मुख्य उद्देश्य कोई बम और गोली चलाना नहीं रहता, उसका मुख्य उद्देश्य जी रहता है कि लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना। अब कैसे पहुंचाया जाए, ये ग्रुप के सामने बड़ी समस्या है। मार्क्सवाद की बातें, समाजवाद की बातें, समता की बातें, मजदूरों और किसानों की गुलामी की बातें, तो यहाँ उन्होंने सोचा कि हम असेंबली के अंदर बम डालेंगे। और असेंबली के अंदर बम डालना इस प्रकार की योजना थी कि हमको किसी को मारना नहीं है, जैसे बहुत क्या है, कमजोर बम थे वो। बहुत कमजोर बन जी गए, टू मेक द डेफ हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए हम वो बम डालेंगे और उसके बाद हम वहां खड़े रहेंगे, उसी के साथ हम पर्चे डालेंगे। पर्चे डालेंगे वैसे तो मीडिया कवर नहीं करता, उसके बाद मुकदमा होगा, और मुकदमे में उनका मुख्य जो गोल था, मुख्य उद्देश्य था कि मुकदमे के माध्यम से देश और दुनिया के मीडिया में इस बात को पहुंचाना। तो यहाँ कोई उनका संबंध किसी प्रकार की हिंसा से नहीं था, इसमें कोई ज्यादा आहत भी नहीं हुए। और जैसे आपने कहा एक कमजोर बम था, ये मारने वाला बम नहीं था, ये आवाज करने वाला बम था। तो खैर मैं भी जी कल्पना कर सकते हैं, बम भी अलग अलग प्रकार के होते होंगे, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, पर उनकी मुख्य मुख्य मंशा यही थी। अब जब बम डाला तो हलचल मच गई, धुआं आया, उसमें ये भाग सकते थे, ये खड़े रहे और चिल्लाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, ये वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, मुख्य रूप से वो चिल्लाते रहे। पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो उनके पास बंदूक भी, रिवॉल्वर था, तो रिवॉल्वर था तो उन्होंने रिवॉल्वर का जो ये रहता नोक, वो जमीन की तरफ रखा हुआ था और उन्होंने खुद होके रिवॉल्वर जो पुलिस ऑफिसर है उसको दे दिया। यानी उनका कोई मंशा नहीं थी कि किसी को शारीरिक रूप से नुकसान हो। तो खैर मैं यहाँ
ये उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शुरुआत जो मैंने की थी वो आतंकवाद के रास्ते से की थी, टेररिज्म का रास्ता, जब उन्होंने सॉन्डर्स का वध किया, जेम्स स्कॉट के कन्फ्यूजन में सॉन्डर्स जो मारे गए, और उन्होंने उस समय पोस्टर भी लगाए कि किसी भी जीवन का नुकसान ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, पर हम उसको हेल्प नहीं कर सकते। पर वो एक शुरुआत थी। और जो ये असेंबली पे बम डालना, ये किसी प्रकार से हिंसा का काम नहीं था। मैं कहता हूँ ये उनका एक योजना थी जिसके माध्यम से लोगों तक एक प्रकार की चेतना को वो ले जाए। और दूसरी बात यह है, अब जहां तक इसी को आगे सवाल ही उठता है तो फिर गांधी जी उनके संबंधों में क्या आता है, ये हमको बाद में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गिरफ्तार हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई, और इसी के साथ साथ वो सॉन्डर्स के मर्डर वाला केस आ गया जिसके कारण इन तीनों को फांसी की सजा हुई। अब जब फांसी की इनको सजा हुई तो उसके बाद जो कांग्रेस कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, उन्होंने पिटीशन भी लिखी, मदन मोहन मालवीय और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिटीशन लिखी, और इसी बीच महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक लंबी वार्ता चली जिसकी परिणति गांधी इरविन पैक्ट के रूप में हुई। इस दौरान महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से रिक्वेस्ट किया, कहा कि ये भगत सिंह की सजा को आप कम कर दीजिए, ये जो फांसी की सजा इनको दी जा रही है ये उचित नहीं है, ये उनके जो अपराध से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे भी गांधी जी फांसी की सजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये पहली बात। बिल्कुल और उन्होंने कहा कि ये देश का एक आदर्श लड़का है, क्रांतिकारी है, देश के लिए समर्पित है। तो उन्होंने, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताना चाहूंगा कि उस डेट को महात्मा गांधी ने, ये 17 फरवरी से 5 मार्च तक चर्चा चली गांधी और इरविन के बीच में। उसके बाद 22 मार्च को गांधी ने इरविन को पत्र लिखा कि भगत सिंह की सजा को कम कर दिया जाए, और लॉर्ड इरविन ने कहा मैं कोशिश करूंगा, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी सजा को कम कर दिया जाए। अब वो लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या होता है वो जानकारी हमें नहीं है, पर इसी के तुरंत बाद अपने वादे से मुकर कर उनको अगले दिन रात के अंधेरे में फांसी दी गई। एक अब दिन इसका पहले अर्थ फांसी दे हुआ, दी, हाँ एक फांसी दिन दे दी पहले ही गई फांसी दे दी जी। एक दिन पहले। हाँ, अब वो भी, ये भी उनकी चालाकी एक रही ब्रिटिश की, एक तरफ गांधी को प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा दे रहे हैं कि हम इसको कंसिडर करेंगे, और इधर उनको एक दिन पहले फांसी देते हैं। अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन तुरंत होता है, और कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास होता है, महात्मा गांधी इसके मुख्य शिल्पकार रहते हैं, एक प्रस्ताव पास होता है कि हम अंग्रेज सरकार की भर्त्सना करते हैं कि उन्होंने इन तीन नौजवानों को फांसी दी है। ये पूरा महात्मा गांधी के इनिशिएटिव पर उनकी इस बात से हुआ। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी रहते हैं। किशन सिंह अपने स्पीच में कहते हैं कि भगत, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि देश की आजादी का रास्ता वही है जो कांग्रेस ले रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कितने लोग इसमें भूल जाएंगे कि जन आंदोलन और समाजवाद। तो मेरे हिसाब से जहां तक जन आंदोलन का मामला है, भगत सिंह और महात्मा गांधी एक ही पेज पर थे। और जो रास्ते का सवाल है, अब 23 साल 8 महीने का एक नौजवान, हम उसको कल्पना करें कि उतने, फिर भी उन्होंने इतना इस पर लिखा। तो गांधी की तरफ से पूरी कोशिश थी कि भगत सिंह की सजा को कम कर दिया जाए, फांसी न हो। और ये तो खैर एक इसमें इंसिडेंटल पॉइंट ये भी है, भगत सिंह खुद क्या चाहते थे, भगत सिंह खुद क्या चाहते थे, जी जैसे हमने जी सावरकर के समय देखा था कि सावरकर तो चाहते थे माफी मांगने से मना माफी, कर दिया था जी। इन्होंने कहा माफी मांगने से तो मैं मना कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं कोई साधारण अपराधी नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल आपकी सत्ता के खिलाफ संघर्ष में खड़ा हूं, आप मुझे तोप के मुंह तो पर बांध कर मुझे उड़ाइए। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भगत सिंह चाहते देख रहे थे कि इससे देश के नौजवानों में उत्साह आएगा, प्रेरणा आएगी, और अपने जीवन पर खेल कर भी देश को आजाद करने के लिए कोशिश करेंगे। तो गांधी ने, जी जहां तक मेरी समझ है और जहां तक रिकॉर्ड्स हैं, गांधी जी ने पूरी कोशिश की कि उनको फांसी की सजा से मुक्त करवाया जाए। कई बार इसको बड़े अजीब ढंग से ट्विस्ट भी किया जाता है, कहा यह जाता है कि भगत सिंह इतने पॉपुलर हो रहे थे कि महात्मा गांधी को डर लगने लगा था
कि कहीं हमारा आंदोलन ना पिछड़ जाए, मैं पीछे न रह जाऊं, और भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि पूरा आंदोलन ही वो उस दिशा में चल पड़े। तो ये हालांकि इसमें ये विश्वसनीय नहीं लगता है, हास्यास्पद ही लगता है, क्योंकि भगत सिंह महात्मा गांधी की तारीफ में कई बार लिख चुके थे, कई बार उनकी प्रशंसा कर चुके थे पिछले वर्षों में कि वो महात्मा गांधी को कितना मानते हैं, और उनकी उनके बीच में कोई राइवलरी जैसी चीज थी नहीं। मेरी समझ ये है कि दोनों युग पुरुष थे, और ये एक बहुत छोटी सोच का नतीजा है कि कौन ज्यादा पॉपुलर हो। गांधी कोई पॉपुलैरिटी के लिए ये सब नहीं कर रहे थे, लोकप्रियता के लिए नहीं कर रहे थे, उनका सिद्धांत था और उनका जो काम था वो उनकी एम्बिशन जिसको कहते हैं उस आधार पे, करियर पॉलिटिशियंस वो नहीं थे। मैं ये नहीं मानूंगा कि वो पेशेवर राजनीतिज्ञ थे जो पॉपुलैरिटी के लिए भगत सिंह से कॉम्पीट करे है। भगत सिंह का अपना अपना स्थान था, ये बात निश्चित है। जब लोगों तक ये खबर पहुंची कि भगत सिंह को फांसी दी गई है, दूसरे दिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने उपवास किया, पूरे देश में उपवास किया, कोई शक नहीं है कि वो बहुत लोकप्रिय थे। पर गांधी उसकी तारीफ कर रहे हैं, गांधी कह रहे हैं कि ये देशभक्त नौजवानों ने इतना बहादुर काम किया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। तो राइवलरी का मुद्दा तो ये छोटी सोच का तरीका है, और जो खुद जो आजादी के आंदोलन में दूर दूर तक नहीं थे, अब उनको कुछ तो खिचड़ी पकाना है, तो वो खिचड़ियों में यही देखते रहते हैं कौन एम्बिशन, किसकी क्या एम्बिशन है। ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ पका रहे हैं इस बात को करने के लिए। जबकि निश्चित रूप से भगत सिंह भी कोई इसलिए शहीद नहीं हुए कि उनको एक गौरव चाहिए था, उनका लक्ष्य उनके कार्य से बहुत बड़ा था, और उनका लक्ष्य पूरा देश था, पूरा समाज था, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति था, और मेरे ख्याल से गांधी का भी वही था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी लोकप्रिय हो रहे थे, पर इससे किसी को प्रतिस्पर्धा हो ये बात पूरी तौर से गलत है। बल्कि कई जगह ये भी आया है कि भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू को देश के एक आदर्श के रूप में भी बताते हैं कि अगर इस देश में कोई देख सकता है अपने आदर्श के रूप में, किसी प्रेरणा के रूप में, तो जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक समाजवादी पैटर्न पर समाज को गढ़ने का अपना एक दर्शन लोगों से शेयर कर रहे थे, और उससे वो काफी हद तक सहमत थे। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस की भी तारीफ कर रहे थे। तो ये छोटापन हमारे जनरेशन का, या हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के, वो सोच सकते हैं, लेकिन उस दौर में 23 साल का लड़का और गांधी जी और नेहरू, इन सब कितने खुले दिल से एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। देखिए, ये भगत सिंह ने 1928 जुलाई 1928 में कीर्ति नाम की पत्रिका में एक लेख लिखा, नए नेताओं के अलग विचार में वो सबके विचार बताते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के हैं, ये गांधी के हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जिसके करीब वो आते हैं वो नेहरू के हैं, और कहते हैं कि नेहरू एक विद्वान है, नेहरू समाजवादी है, जो आपने बात कही मैं उसी को बता रहा हूँ, कि उन्होंने विस्तार में पूरे लेख में इसका लेखन मौजूद है कि वो नेहरू की इतनी तारीफ करते थे, इतना नेहरू से प्रभावित थे, वो मानते थे कि नेहरू इस देश के सही रास्ता दिखाने वाले नेता हैं, और खास तौर से कई बार वो पंजाब का जिक्र करते हैं कि पंजाब के नौजवानों ने, देश के नौजवानों ने नेहरू के विचारों को समझना चाहिए, उसके रास्ते पर आने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर प्रतिस्पर्धा होती तो इनकी बुराई करते, जैसे आज के ये नेता लोग कर रहे हैं। जी, कहा जाता है कि कोई कांग्रेसी नेता उनसे मिलने नहीं गया था, भगत सिंह से मिलने उनके जेल में, जबकि ये जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल जेल जो था मियांवाली में, वो मिलने गए थे वहां। और दिलचस्प बात यह कि मोहम्मद अली जिन्ना भी तारीफ कर रहे थे भगत सिंह की, वो भी कह रहे थे कि वो उसकी अपनी अंतरात्मा है, आत्मा है, जिसकी आवाज पर वो इतना सब कर रहा है, और वो तारीफ में पूरे कसीदे काले गए थे। तो वो तमाम जो बुजुर्ग नेता थे, बड़े नेता थे, वो भी भगत सिंह की तारीफ कर रहे थे, और भगत सिंह भी उनको अपना प्रेरणा पुरुष और तमाम तरह से देखते थे। तो ये इसमें कितनी हल्की बात है, कितनी हल्की बात है। एक बताता हूँ कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले कहा
कि क्या कोई गांधी परिवार का व्यक्ति भगत सिंह को जेल में मिलने गया। तो अब नेहरू की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए, नेहरू इतने भावुक तरीके से लिखते हैं, मैं जेल में मिलने उनको गया। उस समय ये सब लोग भूख हड़ताल पे थे और नेहरू की चिंता ये थी, ये भूख हड़ताल के इतने दिन हो गए हैं, ये जिंदा रह पाएंगे या नहीं। तो नेहरू बहुत द्रवित होके आए और उसके 2 दिन बाद के अखबारों में, ट्रिब्यून और दूसरे अखबारों में, नेहरू जेल में जाकर इन क्रांतिकारियों को मिले उसका वर्णन है। अब उनकी ऑटोबायोग्राफी में है, अखबारों में है, और प्रतिस्पर्धा का सवाल तो है ही नहीं। ये लोग उनको अपनी एक नई जनरेशन के आदर्श लड़कों के रूप में देख रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात थी। जी, तो कुल मिलाकर ये गांधी और भगत सिंह के रिश्तों की बात ही नहीं थी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, ये तमाम उस दौर के जो नेता थे, तो भगत सिंह को किस तरह से देख रहे थे, उनको बचाने के लिए जो भी संभव था उस समय किया गया था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता भगत सिंह को बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रही थी, और अंग्रेजी सत्ता इसलिए भी घबराई हुई थी कि सोवियत क्रांति के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में भी हलचल मची हुई थी। तो वो ब्रिटेन में भी जो साम्यवादी थे उनकी गतिविधियों से भी घबराए हुए थे, तो उन्हें लगा कि कहीं यहाँ भगत सिंह के नेतृत्व में यहाँ भी कोई उसी तरह का क्रांति ना जन्म ले ले, इसलिए उन्होंने उनको ना बख्शने का फैसला किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड में भगत सिंह की चर्चा को यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम फिर भगत सिंह पर ही चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आप लोग से इस गुजारिश के साथ विदा लूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगत सिंह के बारे में इस सच्चाई को जान सके। और अगर आपको कुछ और जानना है या आप कुछ और हमसे ज्यादा जानते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुन्यानी आपका इस चर्चा के लिए, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।